हे एवरीवन, तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपने गाजर के हलवे की रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे घी। घी गर्म होने के बाद गाजरें कद्दूकस की हुई हैं, जो उन्हें अच्छे से भून लेंगे जब तक उनका पानी नहीं सूख जाएगा। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो से थोड़ी सी ऊपर गाजरें ली थी और इन्हें घी में भूना है जब तक इनका पानी नहीं सूख जाता, जब तक इन्होंने घी नहीं छोड़ दिया। ये देखिए, अब 1 किलो दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध कम इसमें डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसमें खोया ऐड करूँगी, क्योंकि मैं खोए वाला ही बनाती हूँ। और अब जब दूध पक रहा है तभी इसमें डाल देंगे ढेर सारे काजू और ये थोड़े से और भी। आप चाहें तो मनपसंद के अपने कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और मैंने ये 2 इलायची भी डाल दी है। मैं सिर्फ काजू और इलायची डालकर ही बना रही हूँ, आप चाहें तो जैसे मर्जी बनाएं। अब दूध सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खोया। पहले गाजरों को घी में भून के उनका पानी सुखाना और फिर दूध भी। अब खोया ऐड करने के बाद अब इसमें डाल देंगे लास्ट में चीनी। चीनी का भी पानी भून जाएगा जब सूख जाएगा तो हलवा आपका रेडी है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल लें तो डाल दें, मैंने थोड़े से काजू और डाल दिए हैं, नहीं तो आपका हलवा ऐसे ही रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय।